बढ़ते हैं अगली खबर पे। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ ही चार्जिंग पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं। हाल ही के दिनों में जयपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इस चार्जिंग स्टेशन में एक बार में 12 वाहन चार्ज हो सकते हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को अब ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बीते कुछ सालों में राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि उसके अनुपात में पहले इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नहीं हुआ करते थे, मगर अब जयपुर समेत कई शहरों में जगह जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं। जयपुर में भी मैं जिस जगह मौजूद हूँ वहाँ पर 12 वाहन एक साथ चार्ज हो सकते हैं, यानी कि ऐसे भी कैपेसिटी वाले अब चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर बनने लगे हैं। इससे वाहन चालकों को खासी राहत मिलने लगी है। नए स्टेशन खुलने के साथ में अब वाहन चालक यहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता है, चुटकियों में ही उनकी गाड़ी यहाँ पर चार्ज हो जाती है। 6 से 10 घंटे या 12 घंटे भी लगते हैं। अब जब भी आप आउट स्टेशन जा रहे हैं या आपको बैक टू बैक जर्नीज करनी है, तो उस केस में आपको फास्ट चार्जिंग के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और एक चार्जर दो चार्जर लगाने से आप एज अ कम्युनिटी जो है चार्जिंग वो आप प्रमोट नहीं कर पाते। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, तो मल्टीपल कार्स जो हैं वो आके एक साथ चार्जिंग कर सकती हैं। एक गाड़ी अगर चार्ज हो रही है तो उसको लगभग आधे से एक घंटा लगता है, डिपेंडिंग ऑन वो कितना चार्ज करना चाहते हैं। फुल चार्ज करने में लगभग 1 से 1.25 घंटा लगता है। और उससे होता क्या है कि कस्टमर में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई मान लीजिए कोई कस्टमर अजमेर से या सीकर से जयपुर आ रहा है काम से या घूमने के हिसाब से, तो वो यहाँ पर आके चार्जिंग कर सकते हैं। आधे से एक घंटा चार्जिंग किया उन्होंने, उतने में उन्होंने अपना जो भी नाश्ता वगैरह करना है या कैफ़े वगैरह में बैठना है वो भी कर सकते हैं और जो है अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। घर पे चार्ज करते हैं, घर पे जितनी चार्ज हो जाती होती है, जैसे कहीं बाहर निकलना होता है और घर पे कम चार्ज हुई है तो यहाँ आए इंस्टेंटली हमारे को आधा घंटे में चार्ज होकर हमारा पूरा मतलब हम आराम से 250 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं डेली आता हूँ उसको चार्ज करने के लिए, 2-2.5 घंटे चार्ज लगाता हूँ ताकि मेरा काम चल सके, 7-8 बजे तक काम चल सके मेरा। जिसको भी यहाँ पे चार्ज लगाऊँ करीबन 60-70 किलोमीटर चल जाएगा इस शाम में। अगर जैसे बैठ के तो घर जाने के चार्ज चार्ज करने के लिए घर जाना पड़ता है, यहाँ पे ये चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए ये फायदा हो गया है। फिलहाल निजी क्षेत्र की संस्थाएं इस मामले में आगे आई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में सरकारी संस्थाएं भी कई जगहों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग लगाने की प्लानिंग में जुटी है। ऐसे में वाहन चालकों को खासी राहत मिल सकेगी कि जगह जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मुहैया हो सकेंगे। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, DD News, जयपुर।